માછીમારોને પહેલેથી જ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ થોડા સમયગાળા દરમિયાન દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં માછીમારી કરવા માટે ન જાય. તમામે તમામ જે બોટ હતી તેને બંદર પર લાંગરી દેવામાં આવી છે. કેટલીક બોટ જે પહોંચી ગઈ હતી માછીમારી કરવા માટે તેને પરત પણ બોલાવી લેવામાં આવી છે. અત્યારે હાલ બધી જ બોટ બંદર પર લાંગરી દેવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે જે રીતે આ વાવાઝોડું ત્રાટકવાનું છે તેના માટે ખાસ એ વાતની સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોવિડ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તૈયારી કરવામાં આવે. यहाँ से हम वायुसेना के जहाज से जाएंगे और वो किसी भी क्षण यहाँ पे आने वाला है और यहाँ से हम गुजरात में राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे. राजकोट के बाद आगे जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगा. देखिए हर टीम के साथ निर्धारित इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कटिंग इक्विपमेंट, कार्बाइड टिप ब्लेड, डायमंड टिप ब्लेड, एब्रेसिव प्लेट, और इसके साथ ही इमरजेंसी लाइट, और इसके अलावा जो प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण होते हैं और भी विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, लिफ्टिंग कटिंग इक्विपमेंट, वो भी साथ में जा रहे हैं. सर, कोरोना के दौरान ऑपरेशन करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां की हुई हैं. हमारे सारे जवान वैक्सीनेटेड हैं, सभी को डबल डोज लग चुकी है, तो इससे जो है हमको काफ़ी सुरक्षा मिली हुई है और जो हमारे जवानों में इसको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है. और इसके अलावा भी हमने जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको डिसइन्फेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, हम साथ में वैसे उपकरण भी लेके चल रहे हैं. साथ ही साथ जवानों को भी बचाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं. इसके लिए हम बल मुख्यालय से एक 5 ग्रिड अप्रोच जो है यहाँ पे लगाया गया है और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं. ए प्रमाणे ज दरेके दरेक जे टीम छे ते तैनात रहे. જ્યારે વાવાઝોડાથી ગુજરાતને બચાવવાની વાત હોય ત્યારે એ પણ નથી ભૂલવાનું કે કોરોનાનું સંકટ છે અને કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખીને કોવિડ પ્રોટોકોલના પાલન સાથે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કે એ જ રીતે તમામ તૈયારી કરવાની રહેશે. બહારથી ભુવનેશ્વરથી પણ ટીમ બોલાવવામાં આવી છે. 16 તારીખે વરસાદની પણ શક્યતા છે, અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. વાત હે કે કોરોના કે દરમિયાન જો હે ऑपरेशन चलाना एक चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले किसी भी ऑपरेशन के दौरान कोरोना जैसी महामारी नहीं थी और इससे निपटने के लिए भी हमने टेक्निक लगाई हुई हैं. जैसा मैंने बताया कि सभी जवानों को टीका लगाया गया है, सभी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, और इसके अलावा साथ ही साथ मेडिसिन भी हमारे पास हैं कोरोना से निपटने के लिए. और हम अपने साथ कुछ किट लेके चल रहे हैं जिसमें एक निर्धारित दवाएँ होती हैं जिससे कोरोना की जांच कर सुनिश्चित हो की जा सके और उसके अगर कोई सिम्टम मिलता है तो उसका इलाज तुरंत किया जा सके. गुजरात हम आज ही पहुंच जाएंगे. जैसा मैंने बताया हम यहां से एयरलिफ्ट हो रहे हैं तो गुजरात हम पहुंच जाएंगे अगले 2-3 घंटों में, और वहां से जो है जो भी तटीय इलाके हैं जहां पे हमको डिप्लॉयमेंट के लिए मैसेज मिला हुआ है, द्वारिका, गुजरात, पोरबंदर, इसके अलावा भी हो सकता है ज़रूरत के अनुसार से चीज़ें बदली भी जा सकती हैं.